Hello students, good morning. In last class we discussed the structure of Golgi apparatus or lysosomes, उनके function की बात की थी। आज हम बात करते हैं vacuoles की। तो vacuoles कहाँ पे बनते हैं बेटा? In a plant cell. और most of the space in plant cell कौन occupy करता है? Vacuoles. मानो this is a plant cell. इसके पास क्या होगी? Cell wall भी होगी बाहर। सेल वॉल और इसका न्यूक्लियस बिल्कुल साइड में होता है, क्योंकि सारा स्पेस किसने ले रखा है? वैक्यूल्स ने। और वैक्यूल्स को बनाता कौन है? गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो इस वैक्यूल को अगर मैं बाहर निकालती हूँ सेल से, दिस इज अ वैक्यूल। जो वैक्यूल का ज्यादा स्पेस घेरने की वजह से बेटा सारे सेल ऑर्गेनेल, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये सब साइड में आ जाते हैं, राइबोसोम्स, ये सब क्या है? साइड में प्रेजेंट हो गया। मोस्ट ऑफ द स्पेस किसने भर रखा है? वैक्यूल्स ने। वैक्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और इस वैक्यूल के अंदर भी क्या है? फ्लूइड फिल्ड होता है। क्या फिल्ड होता है बेटा? फ्लूइड फिल्ड, जिसको क्या बोलते हैं? सेल सैक। ऐसा नहीं होता है बेटा, साइटोप्लाज्म भी अंदर भर जाता है। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स के अंदर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? सेल सैक बोलते हैं। होता क्या है एक्चुअली में, जो वैक्यूल्स हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं बेटा। वैक्यूल्स का मेन रोल क्या है? स्टोरेज का। किस किस चीज की स्टोरेज करवाते हैं? स्टोरेज ऑफ आयंस, अभी बताती हूँ, स्टोरेज ऑफ पिगमेंट्स, स्टोरेज ऑफ पिगमेंट्स एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट। आइंस कैसे होगा? क्या पोटेशियम आइंस जो सेल के अंदर खूब भर के होते हैं, के पॉजिटिव आइन, किसमें स्टोर कर देती है सेल? वैक्यूम्स में। खूब सारा के पॉजिटिव अंदर आ जाएगा, पोटेशियम आइन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। दूसरा कौन सा आइन आता है? Cl नेगेटिव, क्लोराइड आइन। ठीक है, कौन आएगा बेटा? क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन। किसको स्टोर कर रही है? के पॉजिटिव को और क्लोराइड आयन। पिगमेंट कौन से बेटा? रेड और ब्लू पिगमेंट भी किसके अंदर स्टोर होते हैं? वैक्यूल के अंदर। रेड और ब्लू पिगमेंट लाइक एंथोसायानिन, अगर आपका, मैं बोलूँ ये कोई लीफ है, या आप ऐसे मान लो दिस इज अ फ्लावर, ठीक है, और इस फ्लावर का कलर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? मान लो ये फ्लावर आपको कैसा दिख रहा है? ब्लू इन कलर, दिस फ्लावर इज इन ब्लू कलर। तो वो ब्लू कलर किसकी वजह से है? क्योंकि इस फ्लावर की यहाँ पे जो सेल्स है ना, उन सेल्स की इसके अंदर, वैक्यूल के अंदर क्या पड़े हुए हैं? पिगमेंट, उनसे रेड और ब्लू पिगमेंट। देखो बेटा, एक प्लास्टिड भी पिगमेंट होते हैं प्लास्टिड के अंदर, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट, और रेड और ऑरेंज कलर के पिगमेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट में, जो मैं बताऊंगी अभी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जो वैक्यूल्स के अंदर पिगमेंट होते हैं वो कौन से कलर के होंगे? रेड एंड ब्लू कलर के। तो जितने जहां पे भी प्लांट के अंदर रेड और ब्लू कलर होगा, चाहे लीफ में या फ्रूट्स में या फ्लावर के पेटल्स का, वो कलर किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट दैट आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। थर्ड चीज मैंने क्या बताई? वेस्ट। कुछ सेल का वेस्ट भी कहाँ पे अंदर स्टोर हो जाता है? वैक्यूल्स के अंदर। और वैक्यूल्स का जब साइज बढ़ता है, ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर जब ऐसे वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा, पिगमेंट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, दैट रिजल्टिंग इंक्रीज इन सेल साइज, उसकी वजह से क्या है? सेल का साइज बढ़ जाता है। प्लांट सेल का साइज क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द वैक्यूल, जिसको किसने बनाया? गोल्गी अपैरेटस। ऐसे ही क्या है बेटा? फूड वैक्यूल होते हैं। फूड वैक्यूल किसमें बनते हैं? फूड वैक्यूल किसमें बनेंगे? लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म, मान लो ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको अगर ये बाहर ये फूड का पार्टिकल दिखाई देता है, ये क्या करता है, इसको ऐसे एनगल्फ करके और ये क्या बन जाता है, दिस इज द फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल में एंजाइम्स भरे होते हैं, डाइजेशन होती है, फिर फूड यहाँ पे आता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूल, आपको इतना ही पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को कंप्लीट करेंगे, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन लाइक इट एंड यू कैन शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।